आज मुझे आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले यहां की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सब का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ, जिसे मैं फिर से दोहराकर खासकर अभी चुनाव के दौरान अपना व यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और अब मैं गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफ़ी कुछ जोड़ा है, और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली हैं, वास्तविक हैं, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में स्पीकर के पास जिस प्रकार से मिसबिहेवियर हो रहा है हाउस में, चेयरमैन के पास जिस प्रकार से भद्दा व्यवहार राज्यसभा के कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य कर रहे हैं, एडजर्न करने के अलावा कोई पर्याय ही नहीं है। ऐसे में एक तरफ खुद एडजर्न कराते हैं, व्यवहार देखिए, आज कागज फाड़ के पहली बार लोकसभा में इतने वर्षों में कागज फाड़ के उन्होंने आसन पर फेंके हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि स्पीकर बार बार कहते रहे कि मैं चलाना चाहता हूं हाउस, सबको मौका मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की मंशा ओबीसी समाज का अपमान करने की है, ये बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। माफी भी नहीं मांगूंगा,
क्योंकि इनकी मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है, पहले भी थी और आज भी उसका परिचय देश के सामने बार बार देखने को मिलता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये कभी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी, कानून को सर्वोपरि मानती है और भारत का जो संविधान है वो सबके लिए समान है। भारत के हर नागरिक को संविधान और कानून के तहत अपना काम करना है। और मैं ये भी समझना चाहता हूं कि आखिर ये 4 साल तक केस चला, इतनी सारी हियरिंग्स हुई, फाइनल हियरिंग तक में उनके 6-6 बड़े बड़े नेता हैं, अभिषेक मनु संघवी जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, चिदंबरम जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, केटीएस तुलसी जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, विवेक तनखा जी हैं, मनीष तिवारी हैं, 6 तो ध्यान में आते हैं तुरंत, जो बड़े विख्यात कानून के उनके मान्य सदस्य, इसमें से एक भी सदस्य कोई भी हियरिंग में ना आखिरी हियरिंग में गया, और जब कन्विक्शन हो गया उसके बाद भी आर्ग्यूमेंट्स चले, उनके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए, जो पेटिशनर था उसके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए, एक भी बड़ा कानूनी उनका सांसद या बड़ा उनका नेता ना हाजिर होना, यह भी एक सवाल उठाता है कि क्या यह कांग्रेस की अंदरूनी कोई लड़ाई है, क्या कांग्रेस के नेता स्वयं राहुल गांधी जी को तकलीफ में डालना चाहते थे, ये किसके एडवाइस पे पूरी कानूनी प्रक्रिया उन्होंने चलाई, ये वास्तव में एक सवाल खड़ा करते हैं। और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के कानून से अपने आप को बड़ा समझे, इस घमंड के साथ पूरे ओबीसी समाज के अपमान करे और बार बार सदन के पीठ के ऊपर जो पीठासन अधिकारी हैं, जो स्पीकर चेयरमैन का अपमान और उनकी अवमानना करने की जो कोशिश की जा रही है उनके अलग अलग नेताओं द्वारा, उसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।